चलो चलो भाई। हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? मैं हूं अपना मावी। उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है 20 दिसंबर। व्लॉग मैंने स्टार्ट आज इतनी सुबह करा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं। और आज है रीना का और शिवांग का बर्थडे। शिवू का सेकेंड बर्थडे है आज और रीना डे है। तो आज शिवू के बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा। और कौन कौन आएगा, कैसा सेलिब्रेशन होगा, वो मैं हर चीज़ आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। और चलिए सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको रीना से। शिवांग का भी सो के नहीं उठा है, मैं उठ गई थी, चाय वगैरह बनाई थी। मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग ले लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप रीना से मिल लीजिए, उसके बाद मैं शिवू से मिलवाऊँगी। और फिर कैसा सेलिब्रेशन होगा, क्या करेंगे, वो मैं आपके साथ वन बाय वन हर चीज़ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग देखने के जानने के लिए देखते रहिए कि क्या होने वाला है। तो चलिए दिखाती हूँ। और ये देखिए रजाई हमें से भी नहीं निकले। हाय बोल दे सबसे। हेलो गाइस, देखो मेरे को विश करो। नहीं ऐसे कोई नहीं, आपकी मर्जी, जिसको जिसका मन हो करिए, जिसका मन नहीं हो मत करिए। ये काट दे रहा रजाई, हम सो रहे हैं। है ना भाई, अपनी मर्जी के अनुसार तो इंसान को काम करता है। रागा तू भी बोल दे बेटा हेलो। किसी से जबरदस्ती कराए ऐसी अच्छी बात नहीं। रागो हाय तो कर दे। रागो तबीयत खराब है आज, ऐसे बोल दे ना हाय गाइस। अरे रागो, रागो ऐसे करो हाय हाय गाइस, कैसे? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे शिवू, मे गॉड ब्लेस यू डियर शिवांग। ये दोनों का बर्थडे आज, इन दोनों का। सॉरी है, तू तो उठाता इसके लिए सबसे जल्दी, तू तो इसको बर्थडे विश कर दे। क्या लो है अभी देंगे, तू तो इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दे। शिवू को कर दे। सॉरी है देखे, सॉरी है रीना, सॉरी है देख, सॉरी बोल देना। जैसे हमने इसको उठते ही एकदम बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये एक बार तू बोलने का बर्थडे आ लिया, बोल दे। मेरे प्रिंसेस को आज तो आई गया बर्थडे। ओ आज तो आई गई बर्थडे, गदाऊ बर्थडे आ गया आज तो। कहते बर्थडे आ ली, सिर्फ इधर बोल दे, इधर लाइट आ गई, बोल दे। कहते बर्थडे आ ली, कहते अभी मालू बस, कहते अभी मालू। सुबह सुबह ही हमने अभी मालू, हम सब ने मिलके इसे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। कहते हम बे गाइस, कहते हम बे शिवांग बोलियो, कहते हम बे गाइस, रुको हंसी आ रही, कहते हम बे गाइस, कहते हम बे गाइस, हम बे गाइस बोलियो, हम बे शिवू बोल दे, हम बे बोल दे बेटा। जाए जाए, पहले भाई के एक हक कर ले, चौरिया भाई को, भाई ने तेरे को बर्थडे विश करा ना, उसको एक हक कर दो। नहीं करना क्यों? सुबह सुबह उठते ही नहीं गए मामा, आपको बर्थडे की बड़ी है, मुझे चाय भी नहीं मिली ना। करो ना, कहते हम मैं ओ भाई को हक कर दे। अरे हक कर दे भाई को ना। क्यों किसी कर दे फिर ना। अरे किसी कर दे भाई को, भाई ने तेरे को हैप्पी बर्थडे बोला था, थैंक यू तो बोल उसको ना। अरे पीछे मेरा मितान सेरा भी आ गया। हाँ खा लिया बिस्किट, चाय पी ली। मम्मा चाय इतनी गर्म है, इतनी गर्म आ रही बेटा, कहाँ गर्म है, मैं चेक करके आई थी मम्मा। इतनी बिल्कुल ठंडी नहीं पीते सर्दियों में, बिल्कुल ठंडी पीने से खांसी होती है। हैप्पी बर्थडे बोला तूने शिवांग को? हैप्पी बर्थडे टू ये, खुद कह रहा नहीं ना, बोल रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, बड़ी मम्मा से बोल दे रही, मम्मा आपको हैप्पी बर्थडे कह दे। इन्हें तो अपने इनकी खुशी है, किसकी इनकी खुशी है? नहीं कहते हम मैं
ऐसा करियो अगली कर दो इनक्लूड को अगली कर दो तो मैं नहा गई हूँ नहा लियो और ये शिवांग को मैंने बहुत देर पहले सुबह ही नहला दिया था। ये मंदिर गया था रीना के साथ, ये रो रहा है, ये सुबह से उतर रहा नहीं अपने पापा गोद में से। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, कुछ सामान लाना है तो मार्केट से हम आ गए। मैंने वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और हम गए थे बाइक पे, तो इस वजह से मैंने वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया। अब हम घर आ गए वापस, टाइम हो रहा है 1:30 बजे, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे और रात को फिर सो जाएंगे तब केक कटिंग होएगी और फिर सुबह उठ कर रोते कि हम लोग पार्टी में, हम तो सो गए थे, आपने अकेले अकेले एंजॉय कर लिया। अब देखते हैं, डेकोरेशन का सामान लाई थी मैं, सब्जी वगैरह लेके आई थी और भी ये सब चीज़ें सूखा सूखा सामान ले गई थी। अब डेकोरेशन करेंगे और जो होगा आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। जो कौन कौन आने वाला है, कैसी पार्टी होने वाली है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़, 2-3 दिन से ऐसा। रीना डस्टिंग कर रही थी कल रात, प्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो प्रेस वगैरह करी, इस वजह से लेट सोए, फिर जल्दी उठे, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से अब भी आ रही है नींद। पर सोने का टाइम नहीं है, अब डेकोरेशन करूँगी मैं, तो जैसी भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे डेकोरेशन को। इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है डेकोरेशन करने के लिए, तो जैसी होगी मैं आपको दिखाऊँगी। बस तक घुमा के अब ले जाऊं यहाँ दादी मामणी। मैंने कहा खिजा, मैंने शिव ये पानी ना पानी करो ना साफ करके धराओ। यहाँ देखे फोटून झगड़ा जा रहा अपना अपना फोटून। आ जाओ सपना विकास प्रोग्राम, ये फोटून धक्का मुक्के होते वो मैं सपना आ जाओ। कितना फर्क है, आ जाओ साल का होगा 10 रुपए का तो ले लो। ये हमारी ये बीच में जरूर आ रहा खत्म हो रहे जीजा साले कत मग काले आ रहे हम भी है थोड़ा ध्यान पे व्लॉग में व्लॉग नो रहे तो व्लॉग रहे मो पता व्लॉग ही रहे वे व्लॉग कैस के भाई सिंगल फोटो ला मॉडल मॉडलिंग की तैयारी करते हुए ज्योति मॉडलिंग की तैयारी करते हुए रोड छीन भगे औखन खोल ले औखन खोल ले ओ मुंह पे कितनी चमक स्मार्ट सपना
गुड्डा नु करदे हेलो हेलो करदे हेलो रीनो मुझे जला दी जो बुझा लो इधर आजा इधर सब ताली बजाइयो भाई तो सरूस जाग नहीं तो अरे डोरे ने कर दू बंद गुजारू शिवा गुजर बनियो ओ ये तो आप बना दे रीना ले आकर अरे इधर फंदे लग गए फंदे ओ आगे चक्कर रुकियो अपने निकाल पहले ये फालतू को दान में यही बोट दंग बहन भैया के क्या तुम ओ ये बैलून तो किसी ने भी नहीं फोड़े सही फोड़ रही है सही फोड़ रही है पहले मुझे बारे फोड़े ज्योति बालक को बाहर न फोड़ रहा है एरी एरी नहीं ना चक फुटवाई इन पे फुटवाई धाड़े ओरा आतंक ज्योति मेरा बड़ा दुख लग रहा मैं तो 3-4 घंटा ओरा पप ज्योति मेरा पापा मर गरम काटा बोरो पापा पापा डर लग रहा है का हो रहा धोले दे ज्योति ज्योति धोले दे ज्योति एक कोई एक कोई एक बीन दियो धोले ने ज्योति ज्योति मार जी जी सवेरी क्राक लो इन्हें मारे को नहीं तो यू जीवू जन्मदिन मना नौ मेरे उठे मेरा नाम ऐसी हो ज्योति इन्हें तो घाल देती इन्हें तो काटिंग धर लेता किसकी मैं अपनी में सारी है ये दर्द अब चल दियो स्टार्ट कर लिया अपनी गाड़ी ये तो सारी है बैठ के पड़ गई चलो बालक थोड़े घर गुड बाय कर दे बाय 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 मम्मी
और ये था मेरा बर्थडे का व्लॉग। तो यहाँ मैंने कुछ बर्थडे की पिक्स आपके साथ शेयर कर दिए, क्योंकि व्लॉग उस टाइप से नहीं बन पाया जिस टाइप से मैंने बनाने के लिए सोचा था, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, कभी मेरे भतीजा यस्सू उसके हाथ में, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में। तो पिक्स हमने क्लिक करी तो वह मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर करी है। सिवाग ने कोई फ़ोटो अच्छे से नहीं कराई, तो ये है जो भी थोड़ी बहुत पिक खिंचवाई है। तो ये था मेरा व्लॉग, प्लीज़ बताना ज़रूर कि व्लॉग आपको कैसा लगा, और तब तक के लिए बाय बाय।